हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार। वेलकम टू मरीन इट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज किस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन प्लांट इन शिप्स। जो शिप्स में हमारी रेफ्रिजरेशन प्लांट जो होती है और रेफ्रिजरेशन लाइन डायग्राम होती है, हम इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक्स रेफ्रिजरेशन साइकिल्स क्या होती है, डिफरेंट सेफ्टीज क्या होती है रेफ्रिजरेशन में, कंप्रेसर सेफ्टीज क्या होती है एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, इवापोरेटर क्या होती है, कंडेंसर्स क्या होती है, इक्वलाइजिंग लाइन क्या होती है, इंटरनल इक्वलाइजिंग लाइन क्या होती है, एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइंस क्या होती है। मैंने इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था और मैंने आपको इनिशियल में बताया था जो बेसिक्स पढ़ने के बाद हम एक लाइन डायग्राम पढ़ेंगे जो हमारी ऑनबोर्ड शिप्स में होती है और वो मैं आज इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि आप बेसिक समझोगे तभी हम इस लाइन डायग्राम को कम्प्लीटली समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हमारी रेफ्रिजरेशन प्लांट है और रेफ्रिजरेशन लाइन डायग्राम है जो ऑनबोर्ड शिप्स में होती है। तो आइए हम इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ये होती क्या है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होती है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंप्रेसर से। यह हमारी कंप्रेसर से, ये जो मैंने पार्ट बनाया है ये हमारी कंप्रेसर्स पार्ट है, जो ए है ये हमारी कंप्रेसर्स है। कंप्रेसर्स के यहाँ दो लाइन मैंने शो किया है, ये जो मैंने लाइन शो किया है और जो मैंने यहाँ एरो पोजीशन दिखाया है जो वन शो किया है, ये हमारी इवापोरेटर से लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हमारी ये हमारी आ रही है और ये हमारी कंप्रेसर्स पे हमारी जा रही है। ओके, अब फर्दर क्या हो रहा है, कंप्रेसर क्या कर रही है, कंप्रेस्ड कर रही है और जो भी हमारी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसे कंप्रेस्ड कर रही है और उसकी उसे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर रही है। और ये हमारी लाइन टू है, ये हमारी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है लाइन वन, और लाइन टू हमारी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है। ओके, नाउ अब ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है कंप्रेसर्स की और ये हमारी ऑयल सेपरेटर्स में जा रही है। ऑयल सेपरेटर्स की मेरी अलग से लेक्चर्स है, बट मैं इस लेक्चर्स में भी आपको ब्रीफली डिस्कस करूंगा ऑयल सेपरेटर्स होती क्या है। अब जनरली क्या हो रही है, हमारी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हमारी इवापोरेटर में आ रही है ड्यूरिंग जब हमारी पिस्टन टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर जा रही है, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ लो एग्जिस्टेंस ऑफ लो प्रेशर इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हमारी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हमारी सख्त होती है। उसके बाद हमारी क्या होती है, बीडीसी से हमारी टीडीसी हमारी पिस्टन्स ट्रैवल करती है और ये हमारी कंप्रेशन प्रोसेस होती है और जो हमारी रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड करती है। सो ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस और कंप्रेस जब हमारी रेफ्रिजरेंट को करती है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी यहाँ पर क्रैंकेस होती है जहाँ पर हमारी ऑयल प्रेजेंट होती है। ये हमारी क्रैंकेस है, ये जो मैं नीचे पार्ट बनाया हूँ ये हमारी क्रैंकेस है। ओके, तो क्रैंकेस में हमारी लुब्रिकेशन ऑयल होती है। लुब्रिकेशन ऑयल इसलिए होती है क्योंकि हमें पिस्टन कूल करना पड़ता है, कूलिंग अरेंजमेंट के लिए हमें लुब्रिकेशंस के थ्रू हम कूल करते हैं। तब यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग कंप्रेशन पिस्टन के हमारे चारों तरफ लुब्रिकेशंस है तो फोर्स ऑफ प्रेशर्स के चलते कुछ लुब्रिकेंट जो होती है, कुछ लुब्रिकेशंस जो होती है हमारी मिक्स हो जाती है रेफ्रिजरेंट से। सो इसलिए हमें ऑयल सेपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो मैंने लाइन शो कर रहा हूँ, ये मैं सेकेंड लाइन जो शो किया हूँ आपको, ये वेपर रेफ्रिजरेंट प्लस सम कुछ उसमें लुब्रिकेंट पार्टिकल्स भी है। ओके, और आप ये देख सकते हो ये हमारी ऑयल सेपरेटर्स है और ये जो सेकेंड लाइन जो है इसमें ऑयल प्लस हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट है, मींस हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट प्लस ऑयल, कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट है। तब उस ऑयल को रिमूव करने के लिए हम ऑयल सेपरेटर्स लगाते हैं और ये हमारी इंटरनल वेफल्स है और हमारा जो रेफ्रिजरेंट प्लस ऑयल है तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। सो बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ये हमारा रेज कर जाती है और जो लूब ऑयल है वो हाई डेंसिटी होती है। सो बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ये हमारी कलेक्टिंग चैम्बर पे कलेक्ट हो जाती है और यहाँ पर फ्लोट वाल अरेंजमेंट होती है, वो आप मेरे ऑयल सेपरेटर्स एक अलग से लेक्चर से वहाँ पर आप मैंने इसे बड़ा अरेंजमेंट बनाया और ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, आप प्रेफर कर सकते हो। अब ये हमारी क्या होती है, फ्लोटिंग रिंग होती है। फ्लोटिंग रिंग क्या होती है, अबव लिमिट तक आती है, उसके बाद ये फ्लोटिंग रिंग ओपन हो जाती है और अगेन हमारी क्रैंकेस पे हमारी ऑयल चले जाती है। और जो हमारी ये जो मैं लाइन जो शो कर रहा हूँ, ये जो हमारी थर्ड लाइन जो शो कर रहा हूँ, ये हमारी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होती है। ये जो हमारी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होती है और ये हमारी कंडेंसर पे जाती है। ओके, इतना आपको आई होप इतना आपको कोई डाउट इसमें अभी तक नहीं आया होगा ना। अब ये जो है ये मैंने
कंप्रेसर्स में कुछ आपको सेफ्टी शो किया है। हालांकि मैंने कंप्रेसर्स की सेफ्टी की भी अलग वीडियोस बनाई है और ये कंबाइंड लेक्चर्स है, मींस ये मैं आपको शिप्स रेफ्रिजरेशन लाइन डायग्राम आपको बता रहा हूँ जो हमारी ऑनबोर्ड शिप्स में होती है। मैं सारे टॉपिक्स डिस्कस कर ही चुका हूँ बट मैं यहाँ पर भी आपको ब्रीफ करूंगा। तो ये हमारी क्या है, कंप्रेसर्स में कुछ सेफ्टी होती है, हाई प्रेशर कट आउट, लो प्रेशर कट आउट, लूप ऑयल, प्रेशर ट्रांसमीटर और डिफरेंशियल लूप ऑयल। ओके, तो हाई प्रेशर कट आउट तो होती है जब भी हमारी जो डिस्चार्ज प्रेशर जो होती है कंप्रेसर्स की, अगर उसकी हाई प्रेशर हो जाती है तो कट आउट हो जाती है, जो भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो होती है वो ओपन हो जाती है, ड्यूरिंग ऑपरेटिंग कंडीशन जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो होती है वो क्लोज होती है, और जब भी हमारी हाई प्रेशर सिस्टम्स में आती है तो वो कट आउट हो जाती है डिजायर्ड लिमिट से, मीन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ओपन हो जाती है और वो हमारी सेंड करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होती है और हमारी कंप्रेसर ट्रिप हो जाती है। आप इसकी एक बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, अलग से मेरी हाई प्रेशर कटआउट की वीडियो है। एंड सेम लो प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट क्या होती है, सपोज हमारी रेफ्रिजरेटिंग रूम है, ओके, तो रेफ्रिजरेटिंग रूम की अगर टेम्परेचर हमारी डिक्रीज होगी तो हमारी इवेपोरेटर की भी टेम्परेचर डिक्रीज होगी, तो हमारी इवेपोरेटर की जो टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो जो हमारी कंप्रेसर सक्शन लाइन की जो प्रेशर एंड टेम्परेचर होगी वो भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। एंड एट सर्टेन और डिजायर्ड लेवल से अगर हमारी उसकी प्रेशर डिक्रीज होगी तो हमारा लो प्रेशर कट आउट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली कट आउट होता है, ऑटोमेटिकली हमारे रिगेन होता है और हमारा प्रोसेस में हमारी आती है, जैसे कंप्रेसर जो ट्रिप हो रही है वो हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है लो प्रेशर कट आउट के चलते, और जो हमारी कंप्रेसर जो मोड पे आ जाती है, रनिंग मोड पे जो आती है, वो भी हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर हमारी रेफ्रिजरेटिंग रूम की टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगी तो हमारी अगेन इवेपोरेटर की प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगी, एंड अगेन हमारी कंप्रेसर की सक्शन लाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगी, एक डिजायर्ड लिमिट तक आएगी, एंड अगेन हमारा कंप्रेसर जो ट्रिप था वो हमारा अगेन हमारी कंप्रेसर रनिंग मोड में आ जाएगी, तो हमारी लो प्रेशर कट आउट होती है। बट हाई प्रेशर कट आउट जो होती है वो हमारी कट आउट ऑटोमेटिकली होती है, बट हमारी रिसेट जो होती है वो हमारी मैनुअली होती है, तो हमारी सेफ्टी थी। अभी हमारी ल्यूबल प्रेशर ट्रांसमीटर है और ल्यूबल डिफरेंशियल प्रेशर है, या हमारी सक्शन और ल्यूबल जो प्रेशर होती है उसे हमारी डिफरेंशियल प्रेशर के थ्रू हमारी कैलकुलेट करती है। इन सारी वीडियो मेरी इन सबकी मीन्स वीडियो मेरी एक लेक्चर्स पे सेपरेट लेक्चर्स है उसकी। अब ये मैंने आपको दिखाया ऑयल चार्जिंग कनेक्शन, ये आप देख सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया ऑयल चार्जिंग कनेक्शन जो कंप्रेसर्स में हमारी ऑयल चार्ज होती है, ये हमारी वो है। ओके, तो आई होप ये कंप्रेसर्स पार्ट आपको पूरे क्लियर होगी। अब मैंने जैसे आपको बताया था ऑयल सेपरेटर्स के थ्रू हमारी कंडेंसर पर जाती है। ओके, अब कंडेंसर्स पर क्या होती है, रेफ्रिजरेंट कूलिंग होती है, तो कूलिंग जो होती है हमारी सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम से हमारी कूल होती है। आपने मैम में पढ़ा होगा मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम्स होती है, तो उससे हमारी कूल होती है रेफ्रिजरेंट। और यहाँ पर कंडेंसर्स में क्या होती है, हमारी जो भी हमारी जो वेपर रेफ्रिजरेंट होती है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट होती है वो हमारी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, और वो भी हमारी हॉट लिक्विड रेफ्रिजरेंट होती है। और सेकेंड इसकी प्रोसेस क्या होती है, जो भी हमारी जो कूलिंग मीडिया है, मीन सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम है, वो क्या करती है, उसकी हीट एब्जर्व करती है, जो भी रेफ्रिजरेंट की वो हीट एब्जर्व करती है। एंड अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट है, जो भी हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट है, वो हमारी हीट रिजेक्ट करती है, सो दैट हमारी क्या होती है, वो हमारी वेपर टू लिक्विड में हमारी चेंज होती है। ओके, तो ये हमारा कंडेंसर की हमारी प्रोसेस होती है। नाउ कंडेंसर में कुछ सेफ्टीज होती है, मैंने यहाँ पर्जिंग वाल्व आपको शो किया है, ये हमारी सेफ्टी वाल्व है, अगर उसकी प्रेशर डिजायर्ड प्रेशर से अगर हमारी इंक्रीज होती है तो सेफ्टी वाल्व वो जो होती है, जो प्रेशर जो होती है एक्सेस प्रेशर रिलीज करेगी एंड थ्रू एटमोस्फेरिक लाइन एक होती है एटमोस्फेयर में वो रिलीज कर देती है, ये हमारी कंडेंसर होती है और ये सी वाटर कूल्ड कंडेंसर होती है। ओके, अब हम बात करेंगे जो हमारी कंडेंसर्स होती है, ये हमारी लाइन फोर है। ओके, ये हमारी फोर्थ लाइन है। अब ये फोर लाइन जो है ये हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये हमारी अब लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। ओके, अभी हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, अब ये कहाँ जाती है, हमारे फिल्टर और ड्रायर में जाती है। फिल्टर और ड्रायर की हमारी दो काम होती है, ये सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करती है, एंड सेकेंड क्या होती है, यहाँ पर एक सिलिका अरेंजमेंट होती है, सिलिका जेल अरेंजमेंट होती है, जिससे जो भी कुछ मॉइस्चर पार्टिकल्स है रेफ्रिजरेंट में उसे वो एब्जर्व करती है। तो ये हमारी फिल्टर एंड ड्रायर में होती है, और फिल्टर एंड ड्रायर अरेंजमेंट के थ्रू ही हमारा एक लिक्विड चार्जिंग लाइन रहता है, जहाँ से हमें लिक्विड चार्ज करते हैं, रेफ्रिजरेंट लिक्विड चार्जिंग होती है। मैं चार्जिंग रेफ्रिजरेंट की एक अलग से मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, मैं वहाँ पर आपको ये पार्ट डिस्कस ब्रीफ डिस्कस करूँगा। ओके,
तो फिल्टर एंड ड्रायर के बाद हमारी ये मॉइस्चर इंडिकेटर में जाती है। मॉइस्चर इंडिकेटर में क्या होता है, हमारे जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं वो हमारी इंडिकेट होती है, और ये मॉइस्चर इंडिकेटर का काम ये होता है अगर फर्दर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाती है। अब यहाँ से जो हमारी होती है, यहाँ से हमारी प्लांट स्टार्ट होती है, जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट प्लांट स्टार्ट होती है, ये जो मैंने आपको बिलो जो पार्ट बताया है ये हमारी कंप्रेसर एंड कंडेंसर अरेंजमेंट थी। अब जो हमारी अबव पार्ट है ये हमारी रेफ्रिजरेंट मीन्स रेफ्रिजरेंट रूम अरेंजमेंट होती है। तो जो रूम्स होती है हमारी जनरली 4 रूम्स होती है जो भी हमारी शिप्स में होती है। फर्स्ट रूम जो होती है वो हमारी वेज रूम होगी, सेकेंड रूम हमारी डेयरी रूम होगी, थर्ड रूम हमारी फिश रूम होगी एंड फोर्थ रूम हमारी मीट रूम होगी। तो जो रेफ्रिजरेंट की जो फ्लो होती है और जो कंपार्टमेंट के अंदर जो प्रेशर एंड टेम्परेचर डेवलप होती है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट रूम में डिफरेंट डिफरेंट हमारी प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है। सो जनरली जो हमारी वेज रूम होती है और जो हमारी डेयरी रूम होती है वो हमारी जो टेम्परेचर जो होती है कंपार्टमेंट की वो हमारी जनरली +4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन की जाती है, और जो हमारी मीट रूम होती है और जो हमारी फिश रूम होती है उसकी जो टेम्परेचर जो होती है वो हमारी -18 डिग्री सेल्सियस मेंटेन की जाती है। तो यहाँ मैंने आपको डायग्राम से मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने 2 ही केस लिया है। ओके, यहाँ पर मैंने 2 केस लिया है, एक हमारी वेज रूम केस है और एक हमारी मीट रूम केस है। तो वेज रूम केस और डेयरी रूम केस से हमारी सिमिलर कंपार्टमेंट होती है, दोनों को 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन की जाती है, और मीट रूम कंपार्टमेंट और फिश रूम कंपार्टमेंट ये भी हमारी सिमिलर होती है, यहाँ पर भी हमारी -18 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन की जाती है। तो मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूंगा अभी हमारी रेफ्रिजरेंट कैसे फ्लो होती है, कैसे हमारी रेफ्रिजरेंट की फ्लो चेंजेस होती है, कैसे हमारी प्रेशर एंड टेम्परेचर कंपार्टमेंट के अंदर रेगुलेट होती है। मैं इस टॉपिक पे अब बात करूंगा। मैंने यहाँ तक डिस्कस किया था मॉइस्चर इंडिकेटर। मॉइस्चर इंडिकेटर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है, ये हमारी एक अलग सिस्टम है, ये जो सिस्टम है हमारी एक अलग सिस्टम है, ये मैंने ब्लैक कलर से मैंने कंपार्टमेंट बनाया है। ओके, मीन्स कंपार्टमेंट टाइप बनाया है जो डिफर कर रही है। तो ये हमारी वेज रूम हो गई, ये हमारी मीट रूम हो गई। तो आप देख सकते हो एक कनेक्शन हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एक इवेपोरेटर में लगी हुई है। अब मैंने यहाँ से लाइन ये टैप किया और यहाँ पर मैंने सेकेंड कंपार्टमेंट मीट रूम आपको शो किया है। ओके, नाउ अब ये हमारी सोलिनोइड वाल्व है। सोलिनोइड वाल्व क्या करती है, रेफ्रिजरेंट जो होती है जो हमारी इवेपोरेटर की जो प्रेशर अगर ड्रॉप डाउन हो जाती है, मैंने जैसे आपको बताया था अगर हमारे रेफ्रिजरेंट रूम की अगर हमारे प्रेशर एंड टेम्परेचर डाउन होती है तो हमारी इवेपोरेटर रूम के भी प्रेशर एंड टेम्परेचर डाउन होगी। अगर डिजायर्ड लिमिट से अगर डाउन होगी तो हमारी सोलिनोइड वाल्व क्या करती है, उसे फर्दर फ्लो नहीं होती है हमारी रेफ्रिजरेंट, और ये क्या करती है सिग्नल प्रोवाइड करती है जिससे हमारी कंप्रेसर ट्रिप हो जाती है और जो बोल सकते हैं लो प्रेशर कट आउट होती है। तो ये हमारी इंश्योर करती है, ये हमारी थर्मोस्टैटिकली सोलिनोइड वाल्व होती है, ये इंश्योर करती है कि इवेपोरेटर की एक डिजायर्ड प्रेशर वो अचीव हो। ओके, अब नाउ ये हमारी सोलिनोइड वाल्व है जो मैंने एसवी से आपको शो किया है। अब सोलिनोइड वाल्व के बाद हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व मेरी एक अलग से लेक्चर से और मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया है, मैंने 2 लेक्चर्स इसकी मैंने सेपरेट लिए है। ओके, तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है या हमारा इसकी फंक्शंस क्या होती है, एक मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट ये हमारी इवेपोरेटर में हमारी ये सेंड करता है। तो मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि एज पर लोड डिपेंडिंग ऑन लोड हमारी रेफ्रिजरेंट की फ्लो होती है, तो वो हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू होती है। एंड थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व आल्सो इंश्योर दैट देयर इज अ कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपरहीट एट द आउटलेट ऑफ इवेपोरेटेड ट्यूबिंग। तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व ये इंश्योर करता है कि कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपरहीट हो थ्रू जो हमारी होती है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारी पावर फ्लूइड होती है, ये हमारी बल्ब अरेंजमेंट होती है। तो ये मेरी अलग से एक लेक्चर से आप इसकी सेपरेट लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, तो हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हमारी ये इवेपोरेटर पे जाती है, और ये इवेपोरेटर की जो आउटलेट जो होती है ये हमारी आउटलेट प्रेशर हमारी ये बल्ब जो होती है सेंसिंग बल्ब जो होती है वो सेंस करती है, और ये हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की डायफ्रगम पर सेंड करती है और नीडल स्टैंड पर एग्जर्ट होती है जो कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द वाल्व। तो ये हमारी ऐसे कुछ अरेंजमेंट होती है, आप वीडियो देख सकते हो। ओके, तब ये हमारी क्या होती है, ये हमारी फर्दर हमारी जो आउटलेट जो इसकी होती है, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेटर में हमारी क्या हो रही है, इवेपोरेटर में हमारी जो भी हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट थी वो हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो रही है।
ओके तो हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो रही है, तो और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं जो भी हमारी रेफ्रिजरेटिंग रूम है उससे ही हमारी क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, वो हीट एब्जॉर्प्शन जो हो रही है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो वो उसकी हीट एब्जॉर्ब कर रही है और इटसेल्फ कन्वर्ट हो रही है हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट में। ओके और ये हमारी आउटलेट होती है, ये आउटलेट होती है और ये हमारी यहाँ पर ईपीआर लगी हुई होती है और इवेपोरेटर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व और कॉन्स्टेंट प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व और बैक प्रेशर वाल्व, इसे हम तीन नेम से जानते हैं और इसकी फंक्शंस मैं अभी जस्ट बताता हूँ, अभी आप वेट करो। ओके अब ये हमारी जो होती है, ये जो वाल्व मैंने बनाया है ये मेंटेनेंस के लिए वाल्व है। ओके अब ये हमारी सक्सर एक्यूमुलेटर पे हमारी जाती है। अब ये प्लांट समझ गया नाउ सेम, अब यहाँ से हमारी क्या हो गई है, ये हमारी यहाँ से लाइन हमारी डिवाइड हुई है और ये हमारी मीट रूम है। मीट रूम में भी हमारी सेम सोलेनोइड वाल्व अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट है, सेम हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व अरेंजमेंट है और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व से हमारी रेफ्रिजरेंट हमारी फ्लो हो रही है। सेम हमारी सेंसिंग वाल्व है और उसमें हमारी पावर फ्लूड है और वो हमारी सेंस कर रही है, थर्मल कॉन्टैक्ट है हमारी जो भी आउटलेट इवेपोरेटेड ट्यूबिंग और ये हमारी सेंस कर रही है और ये हमारी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ओपन द वाल्व, हमारी वाल्व ओपन हो रही है और हमारी रेगुलेट हो रही है। अब ये जो होती है हमारी रेफ्रिजरेंट जो होती है हमारी सेम है, इवेपोरेटर में भी सेम हो रही है, यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो रही है हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो रही है और ये हमारी क्या हो रही है, ये हमारी नॉन रिटर्न वाल्व, ये जो हमारी है ये हमारी नॉन रिटर्न वाल्व है, ये हमारी नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू हमारी ये हमारी वाल्व क्यों है सेम, इसकी पर्पज सेम है, ये हमारी मेंटेनेंस पर्पज के लिए दिया है, यहाँ हमारी सेम सक्शन एक्यूमुलेटर पे हमारी जो भी हमारी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट है वो हमारी सक्शन एक्यूमुलेटर पे हमारी जा रही है। ओके नाउ अब हमारी सक्शन एक्यूमुलेटर पे जा रही है, अगेन हमारी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हमारी कंप्रेसर्स पे जा रही है और ये हमारी साइकिल्स होती है। बट यहाँ पर आप एक मेजर डिफरेंस देखियोगे मीट रूम एंड वेज रूम में, मैंने यहाँ पर ईपीआर वाल्व लगाया है बट यहाँ पर ओनली नॉन रिटर्न वाल्व है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने ईपीआर वाल्व बनाया है और यहाँ पर हमारी ओनली नॉन रिटर्न वाल्व है, मीन्स हमारी वेज रूम में और डायरी रूम में हमारी ईपीआर वाल्व होती है और कॉन्स्टेंट प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होती है और बैक प्रेशर वाल्व होती है, बट हमारी जो मीट रूम होती है और हमारी फिश रूम होती है वहाँ ओनली नॉन रिटर्न वाल्व होती है, वहाँ पर हमारी ईपीआर वाल्व और जो भी हम बोल सकते हैं बैक प्रेशर वाल्व और कॉन्स्टेंट प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व हमारी मीट रूम और फिश रूम में हमारी प्रेजेंट नहीं होती है। तो अब हमारी ईपीआर वाल्व होती क्या है, ईपीआर वाल्व जो हमारी होती है एक हमारी स्प्रिंग लोडेड वाल्व होती है और ये हमारी जो भी हमारी वेज रूम और डायरी रूम होती है वहां पर हमारी प्रोवाइड होती है। तो ईपीआर रूम में हमारी क्या होती है, जो भी हमारी प्रेशर जो होती है ये हमारी इक्विलिब्रियम प्रेशर मेंटेन करती है। आप देख सकते हो ये जो हमारी वेज रूम होती है ये हमारी +4°C पर मेंटेन है, तो जो हमारी ईपीआर वाल्व होती है वो इंश्योर करती है वो जो टेम्परेचर जो +4°C है वो हमारी अगेन फॉल डाउन ना हो, मीन्स ये रेगुलेट नहीं कर रही है हमारी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर रही है और प्रेशर रेगुलेट नहीं कर रही, ये बस इंश्योर करती है जो भी हमारी वेज रूम में है, जो हमारी वेजिटेबल्स रखी है और जो वेज रूम है उसकी जो टेम्परेचर हो वो हमारी 4°C से हमारी फॉल डाउन ना हो, यह हमारी ईपीआर वाल्व इंश्योर करती है। ओके और अगर हम बात करें जो भी हमारी जो वेज रूम की जो टेम्परेचर्स होती है वो हमारी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू इवेपोरेटर सिस्टम से। ओके तो जो भी ईपीआर वाल्व क्या होती है, जो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो जो हो रही है, जो मैंने यहाँ आउटलेट से जो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रही है अभी हमारी ईपीआर में आ रही है, तो जो रेफ्रिजरेंट को फ्लो अलाउ वो तभी करती है ईपीआर वाल्व जब हमारी वेज रूम की टेम्परेचर हमारी इवेपोरेटर सिस्टम की प्रेशर टेम्परेचर से हमारी ग्रेटर होगी। ओके यहाँ पर हमारी वेज रूम है, वेज रूम में हमारी 4°C टेम्परेचर एंड हमारी कुछ कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर्स है। ओके तो ये हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रही है, तो रेफ्रिजरेंट फ्लो हमारी किसके थ्रू हो रही है, हमारी ईपीआर के थ्रू हो रही है, तो रेफ्रिजरेंट फ्लो ईपीआर के थ्रू हो रही है, तो ईपीआर रेफ्रिजरेंट फ्लो तभी अलाउ करेगा जब हमारी वेज रूम की जो प्रेशर होगी वो हमारी ग्रेटर होगी हमारी इवेपोरेटर प्रेशर से। ओके तो हमारी इंश्योर करता है जो भी एक डिजायर्ड प्रेशर से उससे वो बिलो फोल्ड डाउन ना हो, डिजायर्ड टेम्परेचर से हमारी बिलो फोल्ड डाउन ना हो हमारी ईपीआर वाल्व इंश्योर करता है। बट आप देख सकते हो मीट रूम में हमारी कोई ईपीआर वाल्व नहीं लगी हुई है, तो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो जो होगी वो हमारी यहाँ पर इंक्रीज होगी, यहाँ पर ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगी। ओके अब मैं इसे आपको प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या हमारे पीएच डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये हमारी पीएच
पीएच कर्व है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है, अब ये हमारी डोम है। ओके आप देख सकते हो ये हमारी जो वेपर जो होती है, ओके हमारी वेपर होती है, हमारी सुपर हीट होती है, इवापोरेटर के आउटलेट से हमारी सुपर हीट हुई, अभी हमारी कंडेंसर पे जाती है, अभी हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, ओके और ये हमारी इवापोरेटर होती है। तो ये इवापोरेटर प्रेशर मैंने पी कंसिडर किया, ओके और ये मैंने कंडेंसर प्रेशर जो है ये मैंने पीसी कंसिडर किया, ओके। अब आप देख सकते हो जो वेज रूम की जो प्रेशर जो होगी, ओके वो जो मेंटेन जो होती है वो हमारी ग्रेटर देन इवापोरेटर सिस्टम की जो प्रेशर उससे हमारी ग्रेटर होती है, मीन्स हमारी ये दोनों के इंटरमीडिएट पे हमारी कुछ हमारी वेज रूम की प्रेशर्स होगी। ये हमारी वेज रूम की प्रेशर्स है, मैंने पी वेज यहां पर शो किया, ये हमारी वेज रूम की प्रेशर्स है। अब क्या होता है जो भी हमारी रेफ्रिजरेंट जो होती है वो हमारी डोम पर अगर जब हमारी आती है, ये हमारी डोम पर हमारी पहुंची, तो अब ये क्या होगा, ये हमारी एक्सपांड करेगी और ये हमारी प्रेशर अगेन रिड्यूस होगी एंड अगेन हमारी इवापोरेटर प्रेशर अचीव करेगी यहां, ये जो हमारी है ये, ओके अभी हमारी रेफ्रिजरेंट क्या होती है हमारी वेपर डोम अचीव की, तो वेपर डोम अचीव करने के बाद जो है यहां पर एक्सपेंशन होता है जिससे हमारी प्रेशर डिक्रीज होती है एंड अगेन जो हमारी ईपीआर के बाद जो हो रही है वो अगेन हमारी सेम हमारी इवापोरेटर प्रेशर एंड टेम्परेचर की इक्वल होगी एंड अगेन हमारी यहां से क्या होगी, यहां से सुपर हीट होगी एंड अगेन ये हमारी साइकिल चलती है। तो ये हमारी ईपीआर वाल्व की हमारी फंक्शंस होती है, इवापोरेटर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व ये इंश्योर करती है जो भी हमारी वेज रूम की जो प्रेशर है जो है टेम्परेचर जो है वो हमारी बिलो फुल ना, ओके तो ये हमारी ईपीआर वाल्व होती है। तो ये आज का हमारी वीडियो था, ओके और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये हमारी शिप्स रेफ्रिजरेशन लाइन डायग्राम है। अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।